अस्सलामुअलैकुम। तो बॉयज़ कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो कि गाड़ी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, इसकी फ्यूल एवरेज, इसकी प्राइस, इसके फीचर्स, ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे जिस तरह के मैं रह गया हूँ। तो ये गाड़ी जो कि इंपोर्ट की गई है, होंडा रिबॉन है, जिस तरह के आपको थंबनेल में नज़र भी आ गया होगा। तो जिस तरह के आज गाड़ी के मैं आपको फीचर बताऊंगा, पाकिस्तानी जो कि रिबॉन है उसके अंदर इतने फीचर नहीं है जितने इस गाड़ी के अंदर फीचर हैं। तो आज जो कि मैं इसके इंटीरियर से स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसके इंटीरियर की तरफ लेके जाऊं, तो सबसे पहले अब इतने सारे फंक्शन है, मैं खुद भी ज़रा परेशान हूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या बताऊं। तो सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं आपको जो कि स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, और जिस तरह के हाइब्रिड है, हाइब्रिड के अंदर यहां पे आपको ब्लू कलर में होंडा का जो कि इसका लोगो मिल जाता है। उसके अलावा इस साइड राइट साइड पर देखें, यहाँ पर आपको जो कि इसके क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको इसके डिस्टेंस का ऑप्शन मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे अगर स्टीयरिंग व्हील के आप देखें, यहाँ पे आपको जो कि वॉइस से यहाँ कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन, और यहाँ पे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर इसके राइट साइड पे देखें, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पोल का व्हीकल जो कि स्टेबिलिटी असिस्ट का, और यहाँ पे CMS फॉर और नियर का जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप ऊपर देखें, यहाँ पे आपको जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसकी जो कि ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एक एयरविंड आपको यहाँ मिल जाती है, दो आपको दरमियान में मिल जाते हैं, और एक आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाती है। जहाँ तक इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, तो ये आपको जो कि इसकी चाइनीज़ लैंग्वेज में मिलेगा, क्योंकि इंपोर्ट की हुई है, मुझे भी नहीं समझ आती, जिसको समझ आती है वो देख सकता है। बहरहाल मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई। यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे जाकर इसके क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। जहाँ तक इस गाड़ी की बात कर लेते हैं, तो गाड़ी की ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे लॉक, अनलॉक, और यहाँ इसके बूट ओपनर का जो कि इसका बटन मिल जाता है। तो ये इसकी की है, और जिस तरह होंडा की अगर आप पाकिस्तानी रिबॉन देखिए, वहाँ पे की का ऑप्शन है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको, ये आपको पहले से ही बना हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको की की जरूरत नहीं है। आप इसके सिर्फ आपने जो कि ब्रेक पैडल प्रेस करने प्रेस करके इसको जैसे आगे करेंगे, ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी इसकी डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर देखें, यहाँ पे आपको जो कि राइट साइड पे जो कि गियर की इंगेजमेंट आपको मिल जाएगी, बीच में जहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है। साथ ही अगर इसके आप फ्यूल एवरेज की तरफ देखें, तो यार कमाल है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज देख के मैं खुद हैरान हूँ कि 13.3, ये अभी भी थोड़ी रेस्ट ड्राइविंग करने के बाद आपको 13.3 हाइब्रिड में मिल रही है। और अगर आप पाकिस्तानी रिबॉन के बारे में बात करें, तो मेरे ख्याल में उसके आपको इतनी एवरेज नहीं मिलती। उसके अलावा अगर साथ ही देखें, तो यहाँ पर आपको जो कि इसके बैटरी के जो कि चार्ज मिल जाती है कि बैटरी इसकी कितनी चार्ज है। ऊपर स्पीडोमीटर अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा मसला होगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है। राइट साइड पर आपको जो कि इसके फ्यूल की गेज मिल जाती है, और लेफ्ट साइड पे आपको जो कि इसके किलोमीटर पर लीटर, जिस तरह के आप देखेंगे कि नई गाड़ियां हैं उसके ऊपर, जिस तरह आपको सिटी होगी उसके ऊपर, मतलब RPM के हिसाब से ना चलती है, तो वो आपको मिल जाती है। उसके अलावा अगर मैं आपको इसके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ ले चलूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर देख सकते हैं सारे इसके जो कि बटन है, मुझे नहीं पता ना ही मैं इसकी कुछ चीज़ों कैसे छेड़ना चाह रहा हूँ, कैसा कोई मसला बने। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको जहाँ तक इसके गियर की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। नीचे यहाँ पे देखें आपको ये भी आपको एक बॉक्स मिल जाता है, इसको ओपन करके यहाँ पे आपको जो कि दो कप होल्डर मिल जाते हैं, जो कि इसको प्रेस करने से यहाँ बाहर रहेंगे, दोबारा इसको प्रेस करके तो आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके जो कि आर्मरेस्ट की बात है, ये देख सकते हैं आपको इसके अंदर भी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे इसकी जो कि किट पड़ी हुई है, अब इसको तो नहीं छेड़ना चाहिए हमें। बाकी अगर इसकी सीट्स की बात कर लेते हैं, तो इसकी सीट्स की लुक चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल स्पोर्ट्स टाइप की इन्होंने सीट बनाई हुई है। उसके अलावा इसकी साइड चेक करते हैं, यहाँ पीछे देखें प्लास्टिक का यूज़ किया गया, और आगे जो कि फैब्रिक का यूज़ किया गया, जो कि इसकी जितनी भी खूबसूरती है सारी की सारी इसकी जो कि हेडरेस्ट है इससे बढ़ रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको इसके डैशबोर्ड की तरफ ले चलूँ, तो यहाँ ग्लव बॉक्स की स्पेस देख लें, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो पार्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे भी, और आपको लेफ्ट साइड पे भी मिल जाती है। ये हो गए इसके जो कि डैशबोर्ड के फीचर थे, उसकी इसकी जो कि गाड़ी के मैंने आपको डैशबोर्ड के फीचर बताए थे। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो कि अगर एयर बैग की बात कर लें, तो इस गाड़ी के अंदर एयर बैग आपको 8 मिलते हैं, दो आपको फ्रंट जो कि पिलर मिल जाते हैं ए में, फ्रंट पिलर ए जो है इनके अंदर 2 मिल जाते हैं। बाकी जो अगर देख सकते हैं आप, यहाँ पे एयर बैग मिल जाता है आपको पैसेंजर साइड में मिल जाता है, और उसके अलावा अगर आप ये देखें सेंटर वाले पिलर हो गए, और वो जो थर्ड पिलर है सी पिलर, इसके अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये इसके अंदर जो कि आप चेक कर सकते हैं, इसकी सेफ्टी देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है इसके अंदर, क्योंकि इंपोर्ट की गई गाड़ी है, तो इसके अंदर जो कि फीचर्स के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंप्रोमाइज़ किया गया होगा। तो चलते हैं इसके जो कि एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसके कुछ जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि पाकिस्तानी गाड़ियों में नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर आप अगर सनशेड्स की तरफ देखें, तो यहाँ पर अगर इसकी वैनिटी मिरर के अंदर देखें, यहाँ पर आपको एक लाइट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है दोनों साइड पर। यहाँ पे इसके फ्रंट कैबिन की लाइट का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं, ये आपको फ्रंट कैबिन की लाइट का ऑप्शन मिल जाता है।
इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। फ्रंट लुक के अंदर आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक थोड़ा सा चेंज है दूसरी रिबॉन से। इसकी अगर हेडलाइट से देख सकें आपको थोड़ा सा इसका पता चलेगा, अगर किसी ने पहले भी अगर दूसरी रिबॉन रखी होगी तो उसमें और इसमें फ़र्क करना उसको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको जो कि लो बीम मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको हाई बीम मिल जाते हैं। इंडिकेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पार्किंग लैंप्स इसके मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कि फॉग लैंप इंस्टॉल किए हुए मिल जाते हैं। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और गाड़ी का जो कलर भी है वो भी आपको यहाँ पर सिल्वर में मिलता है। तो अगर इसकी साइड प्रोफाइल पर आ जाएँ तो साइड प्रोफाइल की तरफ दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड के अंदर जो आपको व्हील आते हैं वो आपको ये डिज़ाइन आता है अलॉय व्हील्स का। टायर जो इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं 195/65 के इसके अंदर टायर इंस्टॉल किए गए हैं। साइड प्रोफाइल के अंदर अगर आप देखें इसको जो कि बैक व्यू मिरर आता है ये आपको रिट्रैक्टेबल में भी आता है और इसके अलावा यहाँ पे देखें आपको जहाँ पे जो कि एलईडी माउंट इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा होंडा रिबॉन के अंदर सिटी के अंदर रिबर्थ के अंदर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएगी कि यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा पीस मिल जाएगा कि आपको विजिबिलिटी स्पिलर से आगे आराम से हो जाए। तो उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो फ्रंट डोर के अंदर आपको देख सकते हैं इसके अंदर सारे के सारे ये जितने भी हैं जो इसको गोले कह लें या इसको साइड स्ट्रिप बोल लें ये आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा नीचे देखें आपको जितना भी है यहाँ पे आपको फुट बैरियर के ऑप्शन मिल जाते हैं। और एक मज़े की चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं यहाँ पे आप अगर इसके डोर हैंडल्स की तरफ चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको टू टोन में मिलता है क्रोम और सिल्वर में। और इसके अंदर एक और चीज़ आपको दिखाऊँ कि ये आपको फिंगरप्रिंट में मिलता है। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ ये देखें ये आपको ये चेक करें या देखें ये आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है कि ये आपकी जेब में होनी चाहिए तो ये ईजीली देखें और ये ओपन हो गया। इसको जैसे मैं दोबारा बंद किया ये यहाँ से लॉक हो जाएगा। इसके अलावा इसके रेयर डोर की तरफ भी देखें तो ये भी आपको बिल्कुल दूसरा जो कि फ्रंट डोर की तरह मतलब ज़्यादा इसकी चेंजिंग नहीं है जो कि रिबॉन की तरह ही है। होंडा रिबॉन जो कि हाइब्रिड गाड़ी है इसके अंदर इसकी बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो इसकी बैक प्रोफाइल भी आपको हाइब्रिड के अंदर ज़्यादा कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके इंजन के अंदर चेंजिंग है। तो सबसे पहले अगर इसकी बैकलाइट्स की तरफ चलें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसकी बैकलाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको जो कि इंडिकेटर मिल जाते हैं बैक और वहाँ आपको रिवर्स की लाइट मिल जाती है। उसके अलावा जिसमें दूसरी नॉर्मल होंडा के अंदर आपको यहाँ पे होंडा का लोगो मिल जाता है यहाँ सिविक। और एक और चीज़ जो कि हाइब्रिड के अंदर है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाइब्रिड का जो कि इसका लोगो मिल जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं जो कि हाइब्रिड गाड़ी होती है उसके अंदर होंडा की जो कि रिबॉन है अगर दूसरी गाड़ी देखें तो उसके अंदर यहाँ पर डुअल सिलेंसर आता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको सिंगल सिलेंसर का जो कि कंपनी बिल्टन आता है क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है इस वजह से इसके अंदर जो कि सिंगल सेंसर है। उसके अलावा मैं अगर इसके बूट की तरफ चलूँ तो यहाँ से पहले आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको जो कि यहाँ आप चेक कर सकते हैं बटन आपको यहीं पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो कि बैक कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये रही इसकी जो कि ट्रंक की स्पेस देख सकते हैं यहाँ पर आप और ये तो यहाँ पर किट्स वगैरह रखे हैं। इसके अलावा अगर मैं नीचे दिखाऊँ यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। तो स्पेस जो कि इस गाड़ी की है बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर मतलब कोई इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं है हाइब्रिड गाड़ी के अंदर और रिबॉन दूसरी सिंपल के अंदर, मगर सिर्फ ये है कि ये हाइब्रिड है और वो सिंपल है। यहाँ तक इसके डोर्स की बात कर लेते हैं डोर आपको यहाँ पे टू टोन के अंदर मिल जाते हैं। ये आपको शायद की बात है कि आपको ब्लैक नज़र आ रहा हो मगर ये ब्लैक कलर नहीं है ये आपको नेवी ब्लू कलर में मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें नीचे ये आपको बेज रूम मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जिन का यूज़ किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। डिज़ाइन इसका ऐसे है कि जिस तरह आपको फैब्रिक लग रहा हो मगर ये फैब्रिक नहीं है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको प्लास्टिक का मिल जाता है। डोर हैंडल्स के अंदर जो कि इसके जितने भी ऑप्शन आते हैं यहाँ पर आपको रिट्रैक्टेबल का मिल जाता है और यहाँ पर आपको बैक व्यू मिरर के ऑप्शन मिल जाते हैं, ये विंडोज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इसके जो कि स्पीकर हैं वो आपको चारों दरवाजे के अंदर इंस्टॉल किए हुए मिल जाते हैं। उसके अलावा जो कि इसकी सीट्स की बात कर लेते हैं तो सीट जहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल करनी पड़ती है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी हाइट हाइट में एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देख सकते हैं अपनी मर्जी से इसकी हाइट को एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है आपको इसकी सीट दिखाऊँ तो ये सीट्स भी आप देख सकते हैं इसकी बहुत ज़बरदस्त हैं मतलब फुल स्पोर्टी लुक है। इसके अलावा ये था इसका फ्रंट कैबिन और इसके अगर बैक कैबिन की तरफ चलते हैं तो बैक कैबिन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बीच में आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर इसकी मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं तो आपको इसकी अच्छे से नज़र आ रही होंगी सीट्स। तो सीट्स की फ्रंट साइड जिस तरह मैंने आपको बताई थी कि वो फैब्रिक यूज़ किया गया और बैक साइड के अंदर आप देख सकते हैं आपको जो कि इसका प्लास्टिक यूज़ किया गया। और जहां तक मैं आपको दो एयरबैग की बात कर रहा था वो आपको ये देख सकते हैं यहाँ सीट्स के अंदर मिल जाते हैं, एक ही सीट के अंदर और एक अगली सीट के अंदर। देखिए ड्राइव की बात कर लेते हैं तो इसकी ड्राइव भी मैं आपको दिखा देता हूँ सीट थोड़ी सी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जिस तरह के मैंने आपको बताया कि यहाँ पे की नहीं लगती तो यहाँ पे पहले से ही ये लगी थी। आप अगर इसका फ्रंट जो कि इंटरफेस देखें इसके ये देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर जो है कलर है सारे मतलब देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो कि टोटल इसके डिस्प्ले में आपको शो हो रहा है।
तो यहाँ पे हम चलते हैं, जिस तरह नॉर्मल रिबॉन है वही इसका सीन है, कोई इसके अंदर वो हिसाब नहीं है कि हाइब्रिड है तो हाइब्रिड के अंदर कोई चेंजिंग होगी, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा बैटरी पे चलती है और इसके अंदर जो कि हाइब्रिड होने के नाते फ्यूल की एवरेज जो कि वो ज़बरदस्त है। तो ये देख सकते हैं आपको इतना शोर नहीं है इसके अंदर जितना मतलब अगर नॉर्मल उसके अंदर भी देखें, तो अगर पिक के हवाले से भी देखें तो मैं आपको पिक भी इसकी दिखा दूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मतलब अगर हम ये कहें कि हाइब्रिड है तो हाइब्रिड के अंदर पिक नहीं होगी तो ये हमारा गलत कंसेप्ट है, क्योंकि मेरे तो ख्याल में ये है कि इसकी जो कि पिक है वो दूसरी गाड़ी की निस्बत ज़्यादा है थोड़ी सी। तो मैंने अभी आपको दिखाई भी है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहता, सिर्फ आपको टेस्ट कराना था कि इसकी जो कि स्पीड है वो अगर आप कंपेयर करें दूसरी गाड़ी से, कि जो दूसरी गाड़ियाँ होती है पेट्रोल वाली उसके अंदर मतलब आपको ये लगे कि शायद थोड़ी सी कम हो, तो वो वाला सीन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी के अंदर पावर भी है और जिस तरह की इसकी फ्यूल एवरेज भी मैंने आपको दिखाई है कि वो 13.3 किलोमीटर, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्यूल एवरेज भी है, और उसके अलावा इसकी अगर हम बात कर लें पिक की तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका रिव्यू उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।